हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जमाल। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज का सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि हम असेंबली लैंग्वेज में इनपुट कैसे लेते हैं, वो हम देखते हैं, जो कि सी में बहुत आसान है। बट असेंबली लैंग्वेज में वी नीड टू नो अबाउट रजिस्टर्स एंड अदर थिंग्स सो ऑन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में इनपुट कैसे लिए जाते हैं और कैसे उसे प्रिंट करते हैं। बहुत सिंपल सा वे सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे इनपुट लिया जाता है। स्टार्ट करते हैं EMU 8086। देखिए, सबसे पहले ये जो एक नया चीज आज हम जानेंगे इसमें, वो हम इंक्लूड करेंगे EMU 8086.inc। क्यों? वो जस्ट थोड़ी देर बाद अभी आप देखेंगे कि इसे मैंने क्यों इंक्लूड किया। ओके, उसके बाद हम मॉडल स्मॉल डेटा ले लेते हैं ताकि यहाँ हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकें। कोड, इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो ये एक प्रोसीड्यूर स्टार्ट होता है मेन, उसे हम एंड कर देते हैं, फिर मेन को एंड करते हैं। सबसे पहले डेटा के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ NDB 8 बिट का, जिसे मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, मीन्स वी विल टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर। यहाँ पे मैंने इसका कोई इनिशियलाइज्ड वैल्यू नहीं लिया। उसके बाद हम यूज करते हैं मूव ax एट द रेट डेटा। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि ये क्या है मूव ax एट द रेट ऑफ डेटा। ये जो डेटा वाला पार्ट है रैम पे, इसका एड्रेस हम कहाँ डालते हैं ax, बिकॉज ax रजिस्टर इनपुट और आउटपुट डील करता है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियली रैम से उसका जो एड्रेस है उसे हम ax में डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डेटा सेगमेंट में ax को दे देते हैं ताकि हम वेरिएबल्स को यूनिकली एक्सेस कर सके कोड के अंदर से रह के। अब मेरा पहला काम है हम यूजर को डिस्प्ले कर सके एग्जैक्टली हम चाहते क्या है। ये देखिए, हम चाहते हैं कि ऐसे जैसे हम सी में बहुत आसानी से इनपुट दिया करते थे, हम पहले डिस्प्ले करते हैं एंटर अ नंबर, एंटर योर कैरेक्टर। यहाँ पे हम यूजर से वैल्यू लिया, सपोज हम लोगों ने लिया ए, उसके बाद ठीक दो लाइन नीचे या एक लाइन नीचे हम प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे योर कैरेक्टर इज दस। एग्जैक्टली ये इनपुट और ये आउटपुट चाहिए हमें असेंबली में, वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ तक ओके। यहाँ तक के बाद मैं इस्तेमाल करूँगा प्रिंट एंटर योर कैरेक्टर। अगर इसे मैं डायरेक्ट किसी मैसेज में रख के डिस्प्ले कराऊँ एज अ स्ट्रिंग, तो वो लिटिल बिट क्रिटिकल होगा। तो ज़्यादा बेटर ये है कि हम EMU 8086 INC को इंक्लूड कर लें, उसके बाद हम आसानी से प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं एंटर योर कैरेक्टर, दैट्स इट। सेकेंड, अब इनपुट लेना, यूजर से इनपुट लेंगे कैसे, तो हम इस्तेमाल करेंगे मूव AH01H। ये क्या है, ये एक सर्विस रूटीन है। जब भी AH पे हम 01 अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, यूजर से कैरेक्टर इनपुट करेगा। ओके, ठीक। उसके बाद हम IN21H इंटरप्ट का यूज करेंगे और प्रोसेसर को इंटरप्ट करेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो वहां से जैसे वो इनपुट आएगा, हमें ये चीज पता होने चाहिए कि जब भी हम यूजर से इनपुट लेंगे असेंबली लैंग्वेज में, तो वो सीधे आके AL रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो जब ये हमें पता है कि वो AL रजिस्टर में आके स्टोर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी AL रजिस्टर में हमें मिला है मैं उसे मूव कर दूंगा N में। क्यों N में, यहाँ देखते हैं, क्योंकि इनपुट लेने के बाद ये क्या है, नया लाइन है, यहाँ पे न्यू लाइन है, यहाँ से हम नया यहाँ आएंगे, न्यू लाइन जैसे हम यूज करेंगे हम यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ मूव करना है। ओके, तो ये चीज़ हम देखते हैं कि ये चीज़ हम असेंबली में कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मूव DL 10, देन मूव AH 02H इन 21H। अब ये क्या है, मूव DL 10 क्या है, ये न्यू लाइन का ASCII वैल्यू है। जैसे मैं DL क्या होता है, कोई भी चीज़ जब हमें प्रिंट करना रहता है ASCII असेंबली में, तो द कंटेंट शुड बी इनसाइड DL रजिस्टर। तो मैंने क्या किया, ASCII वैल्यू एंटर का DL में रख दिया। उसके बाद फिर से सर्विस रूटीन इस्तेमाल किया, क्या AH में 02H, AH02H क्या करता है, वट एवर द कंटेंट इनसाइड DL इट विल गेट प्रिंटेड, ये उसको प्रिंट कर देता है। तो मूव AH02H यूज करने से पहले हमने क्या किया, DL में 10 रख दिया। तो अब क्या होगा, ये न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगा।
उसके बाद कर्सर यहाँ आ जाएगा, बट कर्सर मुझे यहाँ चाहिए फर्स्ट में। तो हम क्या करते हैं, वापस से नीचे आते हैं, हम फिर मूव डीएल और यहाँ हम डाल देते हैं 13। डीएल में हमने 13 डाल दिया, इसे भी प्रिंट करना है कैरेज रिटर्न को, तो ये सबसे एकदम टॉप में आ जाएगा कर्सर। तो फिर वापस मूव AL02H in 21H, तो ये क्या होगा, कर्सर हमारा एग्जैक्टली इस पोजीशन पे चले आया। यहाँ आने के बाद अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है योर कैरेक्टर इज, तो ये तो हम इससे प्रिंट करेंगे, तो हम लिखेंगे प्रिंट योर कैरेक्टर इज, एग्जैक्टली इसके बाद हमें प्रिंट करना है जो हमने यूजर से लिया है। तो वो जो यूजर से हमने लिया था वो तो एल में आया था, उसके बाद हमने उसे मूव कर दिया था एन रजिस्टर में। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कुछ भी अगर हमें प्रिंट करना है असेंबली में, सो द कंटेंट शुड बी इनसाइड डीएल रजिस्टर। तो हम क्या करते हैं, अब वापस जो हमने एन रजिस्टर में रखा, एन वेरिएबल में रखा था, उसे हम डीएल में वापस ले लेते हैं, मूव डीएल एन। और हमें अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि कुछ भी अगर प्रिंट करना है डीएल के वेरिएबल को, तो एएच में हम 02H पास कर देते हैं, तो ये सर्विस रूटीन क्या करेगा, डीएल के कंटेंट को प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम इंटरप्ट कॉल कर देते हैं, दैट्स इट। फिर हम आते हैं वापस से आने के लिए मूव AH04CH और IN21H। एक बार रीचेक कर लेते हैं प्रोग्राम को, इंक्लूड किया हमने प्रॉपर तरीके से, मॉडल स्मॉल कर दिया, डॉट डेटा के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एंड उसके मेन प्रोसीडियर, और ये वेरिएबल का एड्रेस, डेटा का एड्रेस हमने एएक्स में डाल के उसके बाद उसे डेटा सेगमेंट में डाल दिया, प्रिंट किया एएच यूजर से 01H लेके एएल में वेरिएबल आ गया जो भी वैल्यू हमने लिया यूजर से, उसके बाद हमने एएन में उसे मूव कर दिया। फिर 10 देके हमने न्यू लाइन 13 प्रिंट करवा के हमने कैरेज रिटर्न किया, योर कैरेक्टर प्रिंट किया वापस, और जो भी वेरिएबल एन में रखा था उसे डीएल में रखा और प्रिंट कर दिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं, रन ए, सो योर कैरेक्टर इज ए, सो एंटायर प्रोग्राम इज सक्सेसफुली रन। तो ये था सबसे इजी तरीका यूजर से इनपुट लेने का। ऐसे आगे और भी वीडियोस हम बहुत इजी तरीका देखेंगे असेंबली में, कि कैसे हम एरे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी वीडियोस देखने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।